शादियां तो खूब देखी होगी आपने, पर क्या कभी देखी है ऐसी शादी? अनोखे ढंग से होता है बारातियों का स्वागत। भारत विविधताओं का देश है। कहते हैं यहाँ हर मील पर भाषा, रहने खाने का तरीका और परंपराएं बदल जाती हैं। जहाँ तक शादियों की बात है, इसके साथ भी यही बात लागू होती है। हमारे देश में राज्य, जिले, शहर और गांव के हिसाब से शादियों से जुड़ी अलग अलग परंपराएं हैं। आपने कई रोचक तरीके की शादियां सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन हम जिस शादी की परंपरा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में शायद ही आपने सुनी होगी। सबसे पहले उस जगह के बारे में जान लेते हैं जहां एक अनोखे तरीके से बारातियों का स्वागत किया जाता है। माझी समुदाय की अनोखी परंपरा। अनोखे तरीके से बारातियों का स्वागत करने वाली इस जगह का नाम मैनपाट है। ये गांव छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है। यहां के माझी समुदाय के लोगों में ये अनोखी परंपरा है। ये अपनी बेटियों की शादी में आए बारातियों का स्वागत बड़े ही निराले अंदाज में करते हैं। इस माझी समुदाय का मानना है कि उनकी ये परंपरा सदियों पुरानी है। उनके पूर्वज इस परंपरा को आगे बढ़ाते गए, वहीं आज की पीढ़ी भी अपनी इस धरोहर को सहेजे हुए है। कीचड़ में नाचकर बारातियों का स्वागत। बिल्कुल, आप भले ही कई बारातों में गए हों, लेकिन आपका स्वागत कीचड़ में नाचकर नहीं किया गया होगा। लेकिन अंबिकापुर के मैनपाट गांव के माझी समुदाय के लोग जब अपनी बेटियों का विवाह करते हैं और जब उनकी बेटियों की बारात दरवाजे पे आती है, तब वधु पक्ष के लोग कीचड़ में लोट लोट कर नाचने लगते हैं। बारातियों का स्वागत करने का उनका ये अलग तरीका और अनोखी परंपरा है। कीचड़ में वो तब तक नाचते हैं जब तक कि वो थक कर चूर ना हो जाएं। ये परंपरा यूं ही नहीं चली आ रही है, इससे जुड़ा एक नियम है। नियम ये है कि नाचते वक्त जो सबसे बाद में थकता है, यानी वो अंतिम व्यक्ति जो सबसे अंत तक नाचते रह जाता है, उसे ही सबसे पहले बारातियों का स्वागत करने दिया जाता है। जानवरों के भेष में कीचड़ में डांस। शादियों में वर वधु के लोग नाचते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक और भी अनोखी चीज देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग कीचड़ में नाचने से पहले जानवरों का भेष धारण कर लेते हैं, फिर कीचड़ में नाचते हैं। जो जिस जानवर के भेष में होता है, वो उसी तरह कीचड़ में नाचते वक्त व्यवहार भी करता है। इतना ही नहीं, वो जानवरों की आवाज भी निकालते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको कैसी लगी शादी की ये अनोखी परंपरा? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।